तो आज 6 फरवरी और मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है। जय श्री राम सभी को। और आज आप देख रहे होंगे मैं चला रहा हूँ क्लासिक 350। मैंने बाइक गांव से वापस मंगवा ली है, इसलिए इसमें मिरर भी नहीं है। गांव में मिरर विरर नहीं लगाता, वही ऐसे ही चलती है। तो दिस इज़ द ओल्ड क्लासिक, मतलब जो जे सीरीज से पहले वाला इंजन है वो है इसमें। ये 2019 का मॉडल है। भरपूर वाइब्रेशंस अगर हम कंपेयर करें हाइनेस से, लेकिन इसकी फील अलग है। और इसे मैं क्यों नहीं चलाता वो मैं बताता हूँ। इस मोटरसाइकिल में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स ना अपने इन परफेक्शन के लिए ही जानी जाती हैं। परफेक्शन के लिए अभी तक रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जो है वो जानी नहीं गई हैं। शायद आने वाले टाइम में वो परफेक्ट बाइक्स बनानी शुरू कर दें। तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इस बाइक के साथ क्या होती है, इसकी सीट हाइट और इसके हैंडल बार्स। इसके हैंडल बार्स बहुत छोटे हैं, बहुत नीचे हैं। जनरली यू कैन सी ये हैंडल बार और मेरे जो नी है इसके बीच का जो गैप है वो 4 इंच के आसपास है। तो मोड़ पे जनरली ये टच हो जाता है मेरे घुटने पे ना, तो मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उस चीज़ का कि ये टच ना हो। और दूसरा, ये बाइक जो है आपको लो स्पीड पे चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो वाइब्रेशन होता है ना वो थोड़े सटल रहते हैं, डिग 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 डिग। जैसे ही आप हाई स्पीड पे जाओगे जो वाइब्रेशन होगा ना वो बहुत तेज हो जाएंगे और उस काइंड के वाइब्रेशन हो जाता है। तो मेरे को पर्सनली मज़ा नहीं आता, लेकिन अभी ये हाँ आ गई है तो ये जाहिर सी बात है चलेगी। और फिलहाल आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं होंडा की न्यू NX 500 लेने। अब लेंगे या नहीं लेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि CB 500X से ये बाइक कितनी इम्प्रूव हुई है। होंडा की जो CB 500X आती थी वो एक अच्छी बाइक थी, लेकिन प्राइस वाइज जो था 500cc के हिसाब से, मतलब अगर मेरे को स्पोर्ट्स टाइप में, मतलब क्रूज़र टूरिंग बोल लीजिए, ऑफ रोडिंग बोल लीजिए, उसके लिए एक मल्टीपर्पज़ बाइक चाहिए कम सीसी में, तो मैंने सोचा था कि CB 500X एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जब मैं देने गया था तो CB 500X जो थी वो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, मतलब बिक रही थी, जो पीसेस थे वो बिक रहे थे। लेकिन जब बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है इसका मतलब है कि कुछ और नया आएगा, तो मैंने सोचा कि चलो फिर वेट करते हैं। ओके, डोंट वरी ब्रो। तो अब होंडा ने जो निकाला है वो है NX 500, और उससे पहले होंडा ने निकाली थी ट्रांस एल्प 750cc में। तो दोनों सिमिलर लुक में है, और बाकी अभी मैं जाके ही देख पाऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। तो अब मैं NX 500 को जो कंपेयर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ट्रायम्फ टाइगर 660 स्पोर्ट्स से। मैंने 660 चला के देखी है, उसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ है उसका सस्पेंशन। इतना कंफर्टेबल है वो कि आपको ये रोड के छोटे मोटे गड्ढे तो कभी फील ही नहीं होने वाले। और वो जाहिर सी बात है 660cc इनलाइन 3 है, और अभी जो हम देखने जा रहे हैं ये डबल सिलेंडर है। तो मुझे जो कंपेयर करना है वो इन्हीं दो बाइक्स में करना है। रीज़न क्या है, NX 500 भी शायद 7 लाख के आसपास लॉन्च हुई है, तो 470cc का उसका इंजन है, 7 लाख के आसपास है कि वैल्यू बनती है कि भाई थोड़ी महंगी बाइक पड़ जाएगी। तो वो प्राइस वो वर्थ कर रही है अपने उसके या नहीं, वो ही मुझे देखना है। क्योंकि टाइगर 660 आपको अराउंड 3 से 4 लाख रुपए डाल के टाइगर 660 मिल जाएगी, जो कि बड़ा इंजन है
और उसकी क्वालिटी, मतलब अभी मैंने NX ट्राई नहीं किया तो नहीं बता सकता, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बस अब यही देखना, और अब मिलते हैं सीधा होंडा के शोरूम पे। लेट्स गो। ओके, सो अभी है हमारे पास NX 500 और देखने में तो कॉकपिट व्यू अच्छा लग रहा है, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ मैंने बैठते ही नोटिस कर ली है ऑफ रोडिंग तो नहीं है, ख़राब रोड, चलो ऑफ रोडिंग ही बोलेंगे ख़राब रोड को, सस्पेंशंस Not much improved from CB500X. थोड़े से रिजिड लग रहे हैं। ओके, और एक चीज और मैं बता दूं, हैंडल्स जो हैं काफी दूर लग रहे हैं मुझे बॉडी से, उतना क्लोज नहीं लग रहे हैं, और फुट पैग्स थोड़े से पीछे हैं, खड़े होऊंगा तो आगे की तरफ झुक जाऊंगा। टर्निंग रेडियस अच्छी है, मतलब काफ़ी कम है, आराम से मुड़ जा रही है, और थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा है, पिकअप अच्छा है, अच्छे से, मेरा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक मैं कह सकता हूँ, अभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ता हूँ तब फील करता हूँ। हाई स्पीड पे वाइब्रेशंस तो खैर नहीं है, ब्रेकिंग अच्छी है, पिकअप अच्छा है, और काफ़ी अच्छे से मैनेजेबल हो रही है। कुछ कमी लग रही है मुझे इसमें। ओके, ब्रेक्स आर वेरी बाइटी, देयर इज समथिंग मिसिंग। ओके, बाइक थोड़ी सी ना आगे की तरफ ज़्यादा भारी है, या तो इसका फ्यूल टैंक तो हाँ शायद भरा हुआ है इस वजह से मुझे लग रही है, लेकिन आगे की तरफ ना ज़्यादा भारी है और बाइक पीछे से थोड़ी हल्की फील हो रही है। तो इसका एक फ़ायदा भी है कि जब आप तेज़ी से रेस दे रहे हो, मतलब पिकअप ले रहे हो, तो बाइक आगे से उठती हुई फील नहीं हो रही है, लेकिन बाइक ना आगे की तरफ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हैंडल्स भी थोड़ा आगे की तरफ तक जा रहे हैं। सीट हाइट इज ओके, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मेरे दोनों पैर बड़े आराम से नीचे आ जा रहे हैं जमीन पर। अगला यू टर्न लेके आते,
ओके, लो स्पीड पे अच्छा है तो मतलब टॉर्क निकल के आ रहा है बाइक से और गड्ढे वड्ढे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और इतने ज़्यादा रैव भी आपको नहीं खींचने पड़ रहे हैं कि आपको बहुत हाई रैव पे जाना पड़ रहा है बाइक को मोड़ने या घुमाने के लिए। टेस्ट राइड वाले भैया पता नहीं कहाँ रह गए। और लो एंड टॉर्क मुझे इसका अच्छा लगा हिमालयन 452 से, बहुत अच्छा है वो बाइक, बहुत जल्दी जवाब दे जाती है लो आरपीएम पे। ये लो आरपीएम पे काम कर रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अभी थर्ड गियर में है और लगभग 3000 के आसपास आरपीएम है एंड नो इशू। यार ये वाला यू टर्न बंद हो गया क्या? फुट पैग रियर साइड है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं मतलब आपके हिप जॉइंट के मतलब हिप्स के नीचे आएंगे ऑलमोस्ट। और हैंडल ब्रॉड है, पकड़ने में अच्छी फील दे रहा है। लेट्स चेक द सेकंड गियर लो आरपीएम टेस्ट। ओके सेकंड गियर पे काफ़ी सही चल रही है। थर्ड गियर 2000 अराउंड, ओके कूल नो इशू। लेट्स गो फोर गियर, फोर्थ गियर है 2000 आरपीएम, बाइक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फुल क्लच मैंने छोड़ा हुआ है और यहाँ से मैं उठा रहा हूँ तो बाइक आराम से उठ जा रही है। लेट्स गो फॉर फिफ्थ गियर, फिफ्थ गियर है 2000 आरपीएम, 40 की स्पीड है और बाइक यहाँ से आराम से उठ जाएगी। तो ये चीज़ हिमालयन में नहीं थी, हिमालयन 452 में बिल्कुल भी नहीं मिली मेरे को ये चीज़ कि आप बाइक अगर हाई गियर्स में है तो आप लो आरपीएम पे कितना टॉर्क ले पा रहे हैं। सिक्स्थ गियर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। ओके ट्रैफिक रुक ही गया ऑलमोस्ट, सिक्स्थ गियर में दिक्कत है अभी। ओके यहाँ पे फिफ्थ गियर में 1000 आरपीएम के आसपास दिखा था, लेकिन 2000 आरपीएम पे आते ही फिफ्थ गियर आपका पिकअप दे देगा आराम से। ओके बच्चे मन के सच्चे, तो अभी हम थर्ड गियर में हैं और मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ। यस वी कैन गो, यस वी कैन गो। लेट्स गो टू सिक्स्थ गियर, अभी यहाँ पे भी ट्राई नहीं हो पाएगा सिक्स्थ गियर ना, बहुत ट्रैफिक है। आगे ट्राई करूँगा जहाँ पे फ्लाईओवर शुरू होता है। हाँ लेकिन इसका लो एंड टॉर्क ज़बरदस्त है, बहुत सही बहुत सही। मतलब मुझे पर्सनली लो एंड टॉर्क वाली बाइक थोड़ा सही लगती है, उनका रिस्पॉन्स ना थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा लगता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको पर्सनली किस रैप बैंड में बाइक्स चलाना पसंद है। Beep.
ओके, इसकी स्क्रीन के बारे में बात करते हैं। काफ़ी अच्छी है, इसमें मुझे नहीं पता मैप वगैरह इन्होंने इंटीग्रेटेड किया है या नहीं किया है, जो कि हिमालयन में, और बहुत अच्छा है। आपको फ़ोन लगाने के झंझट से छुट्टी मिल जाती है, अनलेस और अनटिल यू वांट फोन जस्ट फॉर मैप्स। ओके, और इसका रेव बैंड लगभग 8000 तक जाता है, उसके बाद रेड हो गया है 8200 mm RPM के बाद। Not give any throttle and okay, अभी मैंने throttle नहीं दिया हुआ है, और 1000 RPM है लगभग। Cigarettes. ओके, अभी हुआ क्या है, मेरे हाथ दुखने लगे हैं थोड़ी ही देर में। रीज़न बीइंग कि इस बाइक का पोस्चर थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। इट्स गुड, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब मेरी हाइट ठीक ठाक है और हाथों की लंबाई भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे अपने हाथ आगे की तरफ पुश करने पड़ रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल बाइक चलाने में अच्छी लग रही है पावर और टॉर्क के हिसाब से, और सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं निकले जितने मैं सोच रहा था। सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं है, हाई स्पीड पे भी उतने अच्छे सस्पेंशन नहीं है। बाइक का जो सस्पेंशन है वो आपका हिप पे हिट कर रहा है, बिल्कुल हिप पे, और जो झटका है वो आपके पेट पे आएगा, पेट पे, और जो बैकबोन है उस पे झटका फील हो रहा है। सस्पेंशन इज नॉट दैट वर्थी। ठीक है, तो जो बेस्ट चीज लगी मुझे वो उसका लगा लो एंड टॉर्क। बस वही मेरे को अच्छा लगा, पावर पिकअप अच्छा है इसका, मतलब कितनी है इसकी पावर, शायद 43 HP के आसपास है। So overall good bike, but not my type.
ट्रैक्शन कंट्रोल है, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ है इसमें आराम से, ऑन इंडिकेटर और ये है जॉयस्टिक, ओके। ट्रिप पे उसका एवरेज, ट्रिप बी का एवरेज, इसका एवरेज अब तक का अगर आप देखें 21.8 है, तो ये इसका माइलेज भी आप समझ सकते हो लगभग। तो एनएक्स हमने ट्राई कर ली है, देखो बाइक अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि बाइक ख़राब है, लेकिन अपनी वैल्यू के वर्थ नहीं है, कुछ रीजंस फीचर्स की कमी है उसमें, मतलब लाइक सबसे मेन फीचर जो उसमें होने चाहिए थे उसमें राइडिंग मोड्स है ही नहीं, आप रेन, ऑफ रोड, रोड ये मोड नहीं डाल सकते उसमें, नहीं है उसमें कि आप उसको उस वे में चला सको। इन मोड से क्या होता है, बाइक का जो कंप्यूटर होता है वो कैलकुलेट करता है और बाइक की पावर जो डिलीवरी होती है उसको उस हिसाब से सेट कर देता है कि भाई अगर आप रेन में चला रहे हो तो इतनी पावर मैक्सिमम जाएगी, रोड पे चला रहे हो तो इतनी मैक्सिमम जाएगी, ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आपका रियर ABS ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें उसमें बिल्कुल भी नहीं है फीचर्स की जो हम बात कर रहे हैं ये, और उसमें हीटिंग ग्रिप नहीं है, लेकिन आप एडिशनल ऐड कर सकते हो उसमें हीटिंग ग्रिप। तो जो सबसे मेन कमी लगी वो राइडिंग मोड्स की लगी, चलो हीटिंग ग्रिप वगैरह तो वैसे तो ज़रूरी होती है अगर आप ऐसी बाइक्स ले रहे हो जिनको ना लंबे रूट पे ले जा सको, ठंडे इलाके में चलाने के लिए ले रहे हो तो हीटिंग ग्रिप्स इज़ रिक्वायर्ड, और इन तरह की बाइक्स में आती भी है, खैर इस रेंज में नहीं आती है, 800 cc से ऊपर तो लगभग आती है लगभग सभी बाइक्स में, तो हीटिंग ग्रिप को हम नहीं लेके चल रहे हैं, वो तो उसमें दिख गया है इस वजह से हम उस पर डिस्कस भी कर रहे हैं, वरना तो डिस्कशन का भी कोई पॉइंट नहीं था। लेकिन जो सबसे मिसिंग लगा वो यही था कि उसमें ना ऑफ रोडिंग वगैरह के फीचर्स आप उसमें नहीं हैं, और दूसरी जो सस्पेंशन थे जिसके पॉइंट पर मैं उसका टेस्ट करने आया था, सस्पेंशन उतने अच्छे नहीं हैं जिस रेंज की वो बाइक है, मतलब 680,000 रुपये मुझे ऑन रोड प्राइस बताया गया उसका, 7 के आसपास आप मान सकते हो, क्योंकि हर सिटी और शहर में 10-20,000 ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये मेन कमी मेरे को उसमें लगी है, ओके। और बात करते हैं बाकी चीज़ों की, बाइकिंग का जो पोस्चर था जब मैं उस पर बैठा हूँ, तो अब या तो कह लीजिए मुझे क्लासिक बाइक से ज़्यादा चलाता हूँ तो उसमें हाथ थोड़ा नियर टू बॉडी रहते हैं, लेकिन इसमें क्या था ना, हाथों को रेस्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसे आप ना कोई बड़ी बाइक चलाएंगे जैसे 1250 या 850 GS वगैरह चलाएंगे तो उसमें ना आपके हाथ आगे जाते हैं, चौड़े होते हैं लेकिन टिक जाते हैं, यू कैन रेस्ट योर हैंड्स अबव एट दिस हाइट, इतनी हाइट पर हाथों को रेस्ट करा सकते हैं ना। उसमें क्या हो रहा था कि मुझे ना हाथ आगे थोड़ा सा फेंकने पड़ रहे थे अपने हाथ, मतलब आगे की तरफ उसको पकड़ के रखना पड़ रहा था हाथों को, तो मेरे हाथ जो थे वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आ पाए। और दूसरा जो सस्पेंशन है वो ख़राब है, तो मतलब उतने अच्छे नहीं है, ख़राब तो मैं नहीं बोलूँगा, उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जब हिट करते हैं ना तो बहुत गलत जगह हिट करते हैं, वो हिट करते हैं सीधे आपकी मतलब हिप्स के नीचे, और मतलब उस तरीके की बाइक्स में वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि सस्पेंशन जो है आपको हिप्स के नीचे मतलब बैकबोन की साइड पे उस जगह पे हिट करे, फिर उस बाइक का कोई पॉइंट नहीं बन जाता ना लेने का। आप इस तरीके की बाइक इसलिए लेते हो ताकि आप लंबी राइड्स पे कंफर्टेबल चल सको, वरना तो अपनी बुलेट चल ही रही है अगर अनकम्फर्टेबल ही चलना है तो उसके जो सस्पेंशन हैं वो हिट करते हैं आपको हिप पे, और वो मतलब एक लंबे रूट पे वो एक थका देने वाला पॉइंट हो सकता है, बहुत थका देने वाला। इंजन में कोई वाइब्रेशन नहीं है, इंजन सुपर स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा टॉर्क की इंजन है, मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ बहुत ज़्यादा टॉर्क की इंजन है, बड़े इजीली बाइक फोर्थ गियर में भी आपका पिकअप ले पा रही थी। अगर आप पहाड़ों पे रहोगे तो आप एक गियर डाउन मान सकते हैं उसको,
तो ऐसा नहीं है कि हिमालयन 452 में क्या हो रहा था कि आपको शिफ्ट गियर डाउन करना पड़ेगा अगर आप लो आरपीएम पे चले गए हो, पर लेकिन अगर आप 2000 आरपीएम के आसपास उसको चला रहे हो 450 गियर में भी, और वहाँ से अगर आप रेस देते हो तो बाइक चल जाती है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टक 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 या इंजन स्टॉप हुए। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ब्रेक ज़बरदस्त है उसके होंडा में, ब्रेकिंग का तो खैर मुझे हाईनेस में भी कभी कोई इश्यू नहीं आया, तो और स्पीड इजीली पकड़ रही है। टॉप स्पीड तो मैं चेक नहीं कर पाया, ऐसी रोड नहीं थी टॉप स्पीड चेक हो पाया, लेकिन आराम से 100 क्रॉस कर जाती है और इतनी ही अपने को ज़रूरत होती है। हाईवे टूरिंग में बहुत अच्छी रहने वाली है बाइक ये, अगर आपको हाईवे टू हाईवे ही चल रहा है। और लेकिन वही है कि अगर कहीं गड्ढे वड्ढे आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत करेगी बाइक। मुझे सस्पेंशन में वो मज़ा नहीं आया। सस्पेंशन उसके बुलेट से अच्छे हैं, हिमालयन से अच्छे हैं, और आपके हमारी हाईनेस से अच्छे हैं, एडवेंचर 390 से भी अच्छे लगे मुझे। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक सेल हो रही है, 500 सीसी की बाइक, 470 सीसी का उसमें इंजन है, जिस प्राइस पॉइंट पे सेल हो रही है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सस्पेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो कंफर्ट आपको उसमें मिल ही नहीं रहा है जो कंफर्ट आपको उसमें चाहिए। बाकी ये थोड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट है कि अगर हो सकता है आपको वो कंफर्ट पसंद आए, किसी और को पसंद आए, किसी और को ना पसंद आए, और हो सकता है मैं कंपेयर उसको गलत वे में कर रहा हूँ, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा वो यही था। उस बाइक को मैं ऑफ रोडिंग के लिए तो सजेस्ट नहीं करूँगा, डेफिनेटली नहीं करूँगा। लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मतलब जाहिर सी बात है जब आप बाइक लेने जाएंगे तो चला के तो देखेंगे। इफ़ यू लाइक इट यू कैन बाय इट। जब मैं कोई बाइक चला के देखता हूँ तो उसमें डिपेंड करता है कि उस बाइक को हम किस बेस पे रिव्यू करेंगे। तो ओवरऑल बाइक आपने पैसे देके ही ख़रीदनी है, तो मार्केट में सिर्फ ऐसा नहीं होता जब आप बाइक लेने जा रहे हैं कि आप बजट वाला फैक्टर नहीं देखते, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो फिर आपकी सब महंगी बाइक्स ही बिक रही होती, सस्ती बाइक नहीं बिक रही होती ना। तो अगर हम इस बाइक को कंपेयर करते हैं इसी की रेंज की बाइक से, जैसे कि हिमालयन 450 और एडवेंचर 390, अब आप बोलोगे कि एडवेंचर 390 से क्यों कर रहे हो, एक और आती है बाइक इस रेंज में बेनेली 502। और तो अब इस कंपेयर को करने का रीज़न ये है कि एडवेंचर 390, हिमालयन 450 आपको कम बजट में वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट प्रोवाइड करा देंगी। मतलब अगर आप एडवेंचर 390 लेते हो, वो शायद 3.5 लाख की बाइक है, तो इससे लगभग 40% सस्ती है, तो वो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देगी जो ये बाइक देने वाली है। थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा, लेकिन वैसा ही फिर आपका बजट में आपका आ जाता है। तो इस यही इस बाइक का मेन था कि इस बाइक की जो प्राइसिंग है डबल सिलेंडर होने की वजह से, जो कि 680 तक पहुंची हुई है, 7 लाख रुपए तक पहुंची हुई है, उसको ये बाइक जस्टिफाई करे। जैसे कि अभी यामा ने R3 निकाली है और MT3 निकाली है, MT03, तो वो बाइक्स भी बहुत ओवर प्राइज्ड है, तो उसी हिसाब से ये वाली भी थोड़ी ओवर प्राइज है। CB500X भी इसलिए आपको बहुत कम लोगों पर मिलेगी, द रीजनिंग बीइंग ओवर प्राइज्ड।
वो फीचर्स है ही नहीं इसमें, फीचर्स भर भर के दे देने चाहिए थे होंडा को अगर उनको इस मार्केट में मतलब अपनी बाइक घुसानी थी, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए जा सकते थे। अगर वो हीटिंग ग्रिप, रेन मोड, मतलब राइडिंग मोड दे सकते थे, रेन ऑफ रोड, रोड और भी मतलब बहुत सारे तरीके के फीचर्स आ सकते थे, जैसे कि इसने आपका निकाला हुआ है अपाचे RTR 310 में वेंटिलेटेड सीट है आपकी और लॉन्च कंट्रोल है, तो इस तरीके के फीचर्स ऐड होने चाहिए थे। फीचर रिच बाइक वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो सब बाइक का इंजन बहुत ज़बरदस्त है और जितने भी पैसे हैं वो बस बाइक के इंजन के ही जाते हैं उसमें। इंजन ज़बरदस्त है, इंजन कभी कोई दिक्कत नहीं देने वाला उसका, लंबे टाइम में भी बड़ी स्मूथ वो चलते रहेगी, लंबे टाइम तक चलेगी वो। ये बात आ रहा आपको फर्स्ट टाइम में पता चल जाती है जब आप अगर आप बाइक चलाते रहते हो और थोड़ा अच्छे से समझते हो कि उसका इंजन किस तरीके का बिहेव करेगा। तो NX500 का इंजन बहुत अच्छा है, बहुत रिफाइंड इंजन है, CB500X से बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन है। हो सकता है इन्होंने उसी इंजन को दोबारा थोड़ा रिफाइन करके डाला हो, लेकिन जो भी चेंज किए हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे किए हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने CB500X भी इसी रूट पे चलाई थी और इसी फ्लाईओवर पे मैं उसको ऊपर लेके गया था, तो वो बाइक थोड़ा पावर में कम पड़ गई थी। हालांकि सिमिलर फिगर्स ही हैं उसके भी, लेकिन पावर में कम पड़ गए थे, उसका इंजन थोड़ा सा बोल गया था, लेकिन ये बड़े स्मूथली ऊपर चली गई थी, बड़े स्मूथली। इवन अगर मैं और पुल करता उसकी स्पीड और ज़्यादा जा सकती थी, तो हाईवे टूरिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली हो। राइडिंग पोस्चर का जो मेरे को एक नेगेटिव पॉइंट लगा और उसके बाद जो एक पॉजिटिव पॉइंट लगा, नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि हाथ थोड़े से रेस्ट पोजिशन में नहीं रह रहे हैं उसमें, आपको हाथों को रोक के रखना पड़ रहा है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये लगा कि आपका जो हिप है, मतलब जहाँ बैठते हैं वो थोड़ा सा लो जाता है एरिया, मतलब नीचे की तरफ जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होती है और आप हिप से बड़े अच्छे से बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना वेट शिफ्ट करके बाइक को आराम से मैन्यूवर कर सकते हैं, तो वो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है।